हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। अगर आप लोग स्टूडेंट है या आपका एजुकेशन खत्म होने वाला है, आपके पास टू डायरेक्शन है, आइदर आप जॉब में जाओगे या बिजनेस में जाओगे। हमारा एजुकेशन हमें ये दिखाया था कि जॉब में जाने के लिए, इसलिए कि जॉब में रिस्क फैक्टर जीरो दिखता है, लेकिन वो जीरो नहीं है, आने वाला टाइम में वो बढ़ जाता है। और बिजनेस में रिस्क फैक्टर हाई दिखता है स्टार्टिंग में, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रिस्क फैक्टर कंस्टेंट हो जाता है। टू फ्रेंड्स होंगे, दो इंजीनियर होंगे, उनका ग्रेजुएशन खत्म किए, तो एक ने सोचा कि बिजनेस करेगा, दूसरे ने सोचा कि जॉब करेगा। तो जो जॉब करने के लिए सोचा वो एक कंपनी में ज्वाइन किया, जो बिजनेस करने के लिए सोचा उस कंपनी के आगे समोसा का अपना स्टार्टअप किया। तो टाइम चलता गया, वो जो जॉब कर रहा था वो उसका प्रमोशन होते हुए प्लांटेड पहुंच गया, उसका 2 लाख सैलरी ले रहा। तो इसका भी ग्रोथ होता रहेगा, 2 रुपीज से पर समोसा बेचना स्टार्ट किया था, अभी 20 रुपीज बेच रहा है। ये समोसा उसी प्लांट में भी जाता है, तो उस समस्या को सारे तारीफ करते हैं। तो ये सोचा कि एक बार वो समस्या जो बनाता है उनसे मिल ले, कैसे बनाता। तो दोनों वो जब गया मिलने के लिए, जो जॉब करता है वो इंजीनियर प्लांटेड, तो देखा कि वो दोस्त है, तो अपना समस्या और चाय के साथ जैसे दोनों इंजीनियर बात करते हैं, दो फ्रेंड्स बात करते हैं, बात करने चलो। तो जो प्लांटेड था उन्होंने पूछा कि तुम अपना टैलेंट क्यों वेस्ट किया, देखो मैं 2 लाख पर मंथ ले रहा हूँ, तुमने समोसा का स्टार्टअप कर रहा है। तो इन्होंने आंसर में 3 चीजें बताई। पहला कि वो अपना ऑनर खुद है, प्लांटेड अपना ऑनर नहीं है, खुद के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। सेकंड चीज है ये 2 लाख पर मंथ ले रहा है, अभी उसका जो जनरेशन, उसका बेटा जो स्टार्टअप करेगा उसी प्लांट में, मान लीजिए स्टार्ट किया, तो वो 2 लाख पर मंथ से स्टार्ट करेगा क्या? नहीं, आज ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनर सैलरी 15,000 पर मंथ से स्टार्ट करे, लेकिन इसका बेटा 15,000 से स्टार्ट नहीं करेगा, अभी 1.5 लाख से स्टार्ट करेगा। तो जो रिस्क फैक्टर है इससे ज्यादा है, इसका ग्रोथ फैक्टर जो बिजनेस है उसका ग्रोथ फैक्टर ज्यादा है। तीसरा चीज है, अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे हमें शांति मिलता है, पीस मिलता है, अपना लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जी सकते हैं, ना कि दूसरों का कंट्रोल के हिसाब से। सो माई डियर फ्रेंड्स, आप लोग अभी का सिचुएशन का एनालिसिस करके जॉब रिगार्डिंग आप मत जाके बिजनेस रिगार्डिंग जाइए, ताकि कोरोना वायरस में भी बहुत सारे जॉब आदमी जॉबलेस हुआ है। देखो अभी सोचिए, जो अटलस साइकिल बंद हो गया, इतनी बड़ी कंपनी का जो अभी क्राइसिस की वजह से बंद हो गया है, कितना सारे बंदे जॉबलेस हो गए। तो आप मैं वन स्टेप और मेक इन इंडिया की तरफ जाइए और दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू।